चाहिए यहाँ पर आए हमारे दूसरे से मिलने के लिए बैलेट इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले खुद खबर आई है कि कुंदन शाह नहीं रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऑफ कोर्स उनकी फिल्म जाने भी तो यारों, आई थिंक डिफाइनिंग फिल्म थी हमारे लिए जब हम बड़े हो रहे थे, तो मुझे याद है मैंने जाके थिएटर में देखा था। और उसके कुछ साल बाद फिल्म स्कूल के बाद मैं एक फ्रीलांस कैमरा पर्सन था, तो दूरदर्शन के लिए एक शो करते थे, तो मैं बॉम्बे आया था, बहुत एक्साइटेड था बिकॉज फिल्म स्टूडेंट था, कैमरा कर रहा था, तो नुक्कड़ के सेट पर गया था और कुंदन सर वहाँ थे। और दिल्ली से मैं आया था, एक नया फिल्म स्टूडेंट था, कैमरा करके नुक्कड़ को कवर कर रहा था। जिस किस्म जिस वॉर्म्थ के साथ कुंदन सर ने हमें सेट पे ले गए, हमें चीज़ें दिखाने लगे, मुझे कहते थे तराफा देखो, देखो इस पर लोग बैठे, मतलब पूरा सेट उन्होंने जब हमारे साथ पूरा एक दिन बिताया, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसके बाद मिलते रहे उनके साथ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री नाउ दैट इज़ गॉन। कुंदन जी के साथ तो मेरा काफ़ी क्लोज एसोसिएशन रहा है, मेरे शुरुआत में काफ़ी काम किया उनके साथ। मेरा जो पहला टेलीविजन सीरीज सईद कुंदन ने साथ में किया था तेजस, माई फर्स्ट राइटिंग वर्क वॉज दैट, तो है उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। वो बहुत ही सिंपल आदमी थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा ही सिंपल था, और उन्होंने तो अपनी फिल्मों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, इन पर्सन भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और बहुत दुखद बात है कि वो नहीं रहे।